सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल चाल है सारे का। उम्मीद करता सारे बहुत वधिया होवोगे। मैं पिटू सिंह गगन तुहाडा स्वागत करता एक बार फिर बहुत तुहाडे अपने ही चैनल दे विच। अज दा शूट जिहड़ा लैके आया ना जलंधर दा, बहुत ही स्पैशल शूट है क्योंकि जलंधर दी बहुत ही फेमस शॉप है राजू चीज़ कॉर्नर। काफ़ी साल पुरानी शॉप है यार, तो बहुत ही टेस्टी फूड है। सारी डिटेल गल करते हैं आप ऑनर के नाल भी, तो तुहानू फूड क्वालिटी भी दिखावांगे। एक छोटी जी रिक्वेस्ट सी कि ये पार्ट सारा आप एक पार्ट च शूट नहीं कर पावांगे क्योंकि बहुत सारिया आइटम्स ने। अज शूट कर रहे हैं असी भटूरे छोले, लस्सी, कचौरी और चावल। तो नैक्सट पार्ट से उन्होंने तुम्हें सारा सैगमेंट दिखावे जिद पकौड़े, समोसे, वड़ा, पनीर पकौड़ा, एवरीथिंग सब कुछ शेयर करा, वो भी छोलियां के नाल दिता जाता है। जो तुम चाहते हो पार्ट टू देखना तो जरूर कमेंट करियो, तो इस वीडियो में भी एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ही स्पैशल है। बहुत की कह, शायद सब तो पुरानी शॉप है जलंधर की, भटूरे छोले लैके, कचौरी छोले लैके, तो चावल छोले। आओ डिटेल करते हैं गलबात, ऑनर भी मिलते हैं तो सारा रेट भी पूछते हैं की रेट चलते यार। जो अभी ऑनर मिलन जा रहे हैं ना, तो उस तो पहला इतने मिल रहा थानू रश सारा, जिन्ना भी क्राउड इतने आना थानू बयां कर देगा कि वाकई असी एक गुड प्लेस से आए हैं। तो क्या ही इतने थानू फूड मिलन वाला मज़ेदार, रश उस जगह तो होंगे जी फूड क्वालिटी अच्छी होंगी है यार, मज़ा आ जाएगा। तो आओ मिलते हैं आप ऑनर दोस्तों। जिदा कि असं आए थे राजू चीज़ कॉर्नर से, आप उन्होंने ऑनर में मिल रहे हैं। फादर साहब इन्होंने अच्छ अवेलेबल नहीं है, तो आप सारे इंटरव्यू करेंगे भाजी के नाम। भाजी सब तो पहले अपना नाम। भाजी मेरा नाम है जी शिवम डावर। शिवम भाजी का नाम है तो राजू चीज़ कॉर्नर, राजू नाम थोड़े फादर साहब का, तो उन्होंने नाम तो ही काम स्टार्ट है सारा। भाजी कि देर हो चुकी है आपको काम स्टार्ट किए? भाजी 1975 का। तो भाजी मैनू जिते तक मतलब मैं डिमांड आई बहुत ज़्यादा कि बहुत ही जलंधर च फेमस शॉप है राजू चीज़ कॉर्नर, तो मैंने बड़ी डिमांड आई थी कि भाजी का सैटअप ना बहुत पुराना है। तो भाजी स्टार्टिंग की थी एक रेहड़ी तो 1975 तो आप रेहड़ी तो स्टार्ट किया, दादा जी तो कम चलता आ रहा, उसके बाद फादर साहब तो बंद, मतलब तीन पीढ़ियाँ इस काम से अगे कंटिन्यू कर चुके हैं। तो भाजी की राज है कि जिन्ना भी मैं इतों अगर थोड़ा जहा कस्टमर रिव्यू लिया, मैं अपने व्यूअर्स को भी दिखाऊंगा इस बाद कस्टमर फीडबैक सारा। मैंने सारे ने दसा कि जिन्नी बारी आने तो सेम बेस्ट खाने को मिलता है, यदा की राज है? भाजी दादा जी अच्छा जी जी मेरी दादी ने मम्मा जी रोज रात मार्केट दस बजे तक दो मसाले पीसते हैं, सवेरे उ मसाले भी पाँच बजे दुकान से पैने, साढ़े सात साढ़ी दुकान शुरू हो जाए। साढ़े सात बजे तो लैके किन्ने बजे तक अवेलेबिलिटी है जी? साढ़े चार बजे तक जी साडा शुरू हो जाएगा। साढ़े सात तो साढ़े चार बजे तक भाई की टाइमिंग है। ये हैगा जी पार्ट वन जिहदे च असीं भटूरे छोले लैके आ रहे हैं। इस तो बाद जे तुसीं इन्हां दा पार्ट टू देखना चाहते हो जिहड़े कि बड़िया फेमस आइटम्स ने, समोसे, पनीर पकौड़े, बड़े बहुत कुछ ने, उहदे विच वी पार्ट टू च कवर करांगे। जे तुसीं देखना चाहते हो तो जरूर कमेंट करियो। अज आपां थोड़ी जी डिटेल होर जाते हैं भाजी तो। भाजी अज के डेट के जो तुसीं आपां अज शूट कर रहे हैं पर प्लेट रेट की चल रहा है? फिफ्टी चल रहा है जी, 50 रुपये पर प्लेट, दो घूटे दिते जाते हैं प्लेट के सलाद चटनी के। भाजी एक छोटी जी गल करना चाहवागा, जो तुम पढ़ाई कर रहे थे या बचपन का टाइम, आप इतने तक आदि तक सोचा था कि अभी भी यही बिजनेस में कंटिन्यू करना है? पर जो असी काम में देखे दादा जी साड़ी लोड आई, दादा जी ने कहा तुम चुप चाप कितने नहीं जाना बिजनेस करना। यार जिदा उन्होंने कहा उही आप करते हैं। सब तो वधिया चीज़ एक पुछिए बजुर्गों को, सब तो वधिया चीज़ की सीखी तुम? गाका जी सेवा जी, जो बाग ने कहा तो साढ़े सिर मथे। यार सही गल है कि किसी शॉप को बहुत ज़्यादा राइज करना है तो गाहक की कंप्लेंट दे रहे हैं या की तारीफ कर रहे हैं, उन्होंने दोनों को बैलेंस रखना। तो बहुत ही मज़ेदार गल यार, तो भाजी ने यार आप हम थोड़ा जहा कम कर देने, तो आप लगवाने अपना फूड भी, तो थोड़ा जहा कस्टमर फीडबैक भी थोड़े नाल जरूर शेयर करता वा मैं। तो आओ चलिए आप लगवाने अपने भी फूड, तो कस्टमर फीडबैक लेंगे ना। भाजी सब तो पहले यार भाजी ने थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, भाजी ने एक पैकिंग का समान फड़िया अच्छे, पर भाजी खा के भी उठे हैं। मैं वेट कर रहा थी कि कदों फिनिश करें, आप फिर गलबात करिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। भाजी कितनी देर हो गई इतने आंदे तुहानू? ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਰ ਬੋਰਡ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੀ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਥਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? 6 ਰੁਪਏ ਖੀਰ, 6 ਰੁਪਏ ਲੱਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹੀ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਕੀਟ ਆਈਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸੇਮ ਟੇਸਟ ਸੇਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੱਸਾਂ ਚੋ 10 ਮਿਲੂਗੇ ਦੱਸਾਂ ਚੋ 10 ਨੰਬਰ ਬੱਕੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਆ ਕਪਲ ਬੈਠਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਰੋਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਭਾਈ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੀ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਫੂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਦੱਸਾਂ ਚੋ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜੂ ਜੀਸ ਕੋਰਨਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੈਂ ਜੀ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਮੈਂ 42 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ 3 ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਉਹ ਖੁੰਜੇ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਾਜੂ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈਟਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਮਸਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹੀ ਫੂਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁਣੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਟੇਸਟ ਉਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 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 ਦੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਢਾਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਲੋ ਜੀ ਫੂਡ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੋ ਕਸਟਮਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੱਚ ਹੈ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਦਾ ਭਟੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਲੇ ਆਲੂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਅਚਾਰ ਪਿਆਜ਼ ਚਟਨੀ ਰਾਇਤਾ ਪਨੀਰ ਦੇ 3 ਪੀਸ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਆ ਹੀ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯਾਰ ਅਰੋਮਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਕਚੋਰੀ 2 ਪੀਸ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਸੈਲਡ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਅਚਾਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਸ ਛੋਲੇ ਚਾਵਲ ਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੇਮ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਜਾਂ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਭਟੂਰੇ ਦੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਆਈਟਮ ਆਪਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਵਲ ਛੋਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮੈਂ ਰਾਈਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਿਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤਰੀਫ ਕਰੋ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਲਾਜਵਾਬ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਛੋਲੇ ਦਾ ਟੇਸਟ ਤਾਂ ਕਿਆ ਸਵਾਦ ਹੈ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੋਰ ਲੈਂਦਾ ਪਨੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛੋਲੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਯਾਰ ਰੀਅਲੀ ਯਾਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕੁਛ ਕਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾਮ ਹੈ ਯਾਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਮਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਰ ਸੇ ਉੱਪਰ ਲਾਜਵਾਬ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੇਸਟ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਭਟੂਰੇ ਛੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਭਟੂਰੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੂਰਾ ਕ੍ਰੰਚੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਭਟੂਰਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਮੈਨੂੰ ਓਇਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਈਟ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੁਪਰਬ ਯਾਰ ਦੱਸਾਂ ਜੋ 10 ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਚਾਵਲ ਛੋਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਦੱਸਾਂ ਜੋ 12 ਨੰਬਰ ਹੈ ਯਾਰ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਨੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਆਲੂ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਸੈਲਡ ਟਾਈਪ ਆਲੂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਕਰਦਾ ਬਾਈਟ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ
टेस्ट है, बट मैं ज़्यादा छोलिया ना लाइक करता, मैं ज़्यादा स्वाद छोलिया ना लगे। तुम भी आइयो, यह नहीं कि आलू बड़े माड़े हैं, बहुत वधिया लग रहे हैं, बट तुम आइयो तो कमेंट करके जरूर दसियो कि तुम्हें खा के कि ज़्यादा स्वाद लगे है। इस तो बाद मैं लेना प्याज चटनी, चटनी के प्याज का कितना टेस्ट है, लस्सी की वारी अजे बाकी है। उस तो पहला कचौरी की एक मिनट लेने, क्योंकि छोले सारे सेम टेस्ट यूज किए जाते हैं, चावल छोले के नाल भी, भटूरे के नाल भी, कचौरी के नाल भी है। कचौरी देखो यार क्या ही बात है, पस्ता कचौरी मजेदार। दसा जो 9 नंबर कचौरी वास्ते भी सब तो ज्यादा नंबर लेते भटूरे छोले ने, 12 10 तो 10 चावल छोले, 12 नंबर दसा जो भटूरे छोले दे, दसा जो 9 नंबर कचौरी छोले दे। मजा आ गया। हुण वारी आती है लस्सी की, जो भटूरे नाल लस्सी ना पीती ना तो पंजाबियों का फूड इनकम्प्लीट है यार। आप कंप्लीट करते हैं, सब तो पहले तुम देख सकते हो मलाई मार के पूरी लस्सी, क्या बात है। क्या ही बात है, चीज भी ठंडी, लस्सी मजेदार, लाजवाब, शानदार, मजेदार है सारे फूड वास्ते। ओवरऑल इन्हों ने 10 से 12 नंबर यार ओवरऑल फूड चो, बहुत ही मजेदार, क्योंकि आइटम टेस्टी है। मैं करता हूँ फिनिश, इस तो बाद तुम फिर मिलते हैं, एक बार एड्रेस रिपीट करते हैं, सारा रेट तुम दस चुके हैं, मिलते हैं दोबारा। लो जी भाई यार, लाजवाब, शानदार, मज़ेदार फूड थी यार, मज़ा आ गया। सीरियसली यार, जिनी लोगों को तारीफ सुनी थी ना, आप खा के उस तो भी ज़्यादा वधिया लगा, मज़ा सीरियसली लाजवाब, शानदार, मज़ेदार। एक एक आइटम दूजी आइटम तो ज़्यादा टेस्टी सी, मैं ए नहीं थी समझ लग रही मैं भटूरे छोले ज़्यादा वधिया कह, चावल छोले कि कचौरी छोले सारे का प्यार है भाई। नहीं भाई, प्यार तो सारे का उदो ही होंगे किसी दुकानदार लिए, किसी खाने पीने वाली जगह पर जिते बंदे की अपनी क्वालिटी तो अपनी जी जान लगी हो भाई, तो थोड़ी लगी है यार, सानू पता अभी तो मिल के भी बहुत वधिया लगा भाई, का नेचर भी टू गुड है यार, पूरी कस्टमर की सेवा की जाती है, तो पूरा वह ख्याल रखा जाता है भाई। जिते साढ़े दोस्त थोड़े को पहुँच सकन इन्ने स्वाद फूड खाने वास्ते, उत्थे दी लोकेशन दस दो। फगवाड़ा गेट है जी, बाजवा कलोनी, जो मर्जी आओ जी, पूरी सेवा का मौका दो सर। ते भाजी एक चीज दसो, मैं जोमैटो और स्विगी अवेलेबल हो तुम? हाँ जी भाई, जोमैटो और स्विगी दोनों के अवेलेबल हो, सब अवेलेबल है। तो यार चको फोन, जो तुम इतने नहीं आ सकते तो फोन चको, जोमैटो से करो ऑर्डर, तो भाजी को ऑर्डर प्लेस कर दो। इदा का ही टेस्टी फूड तुम्हें जोमैटो से भी मिलेगा, जिदा इतने आके खाने को मिलता है। हाँ कोई भाजी इदा की प्रॉब्लम नहीं है कि फूड ठंडा हो जाएगा या कुछ, स्वाद से फर्क पड़ेगा। लो जी, पूरा ख्याल तो रखा जाता। इतने सब तो वधिया चीज़ पता की है, इतने सब तो वधिया चीज़ पता की है, सब तो वधिया चीज़ यही है कि खाना पीना तो यार बहुत जगह वधिया होएगा, पर जिते कस्टमर का ध्यान ज़्यादा रखा जाता ना, वो जगह सब तो वधिया, मैनू मेरे रिव्यू के हिसाब न जिते थोड़ा ख्याल ज़्यादा रखा जाए वो चीज़ सब तो वधिया। थैंक यू सो मच भाजी, तुसी यार इन्ना टाइम दिता सानू, तो सानू इतने लिए इनवाइट किया कि आप साडे दोस्तों तक तुहाडी वीडियो लैके जा सकी। बहुत टेस्टी फूड है साडे ते, करो ट्रस्ट, चुप करके चको इतने से, जो तुसी भटूरे छोले खाने के शौकीन हो तो एक मिनट आ जाओ इतने, तो तुहानू मिलांगे अगली वीडियो के। अज की इनफॉर्मेशन करते हैं इतने खत्म, कल फिर मिलते हैं नवी वीडियो के। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।